जी मैम बताइए, कल का जो प्रोग्राम होने जा रहा है कन्वेंशन हॉल में, जिसकी जो इनॉग्रेशन है एलजी महोदय कर रहे हैं, आखिर क्या प्रोग्राम है ये बताइए मैम। ये 2 दिन का कार्यक्रम है, कल इनॉग्रेशन है, जो कि हमारे रिस्पेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर सर द्वारा चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर एडवाइज़र जम्मू कश्मीर सब लोग प्रेजेंट उसमें रहेंगे, और एसोसिएशंस जो हैं वो एक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, DDOs बड़ी संख्या में आ रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, और हमारे अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स डाउन द लाइन वो एक बड़ी संख्या में रहेंगे। और ये जो पूरा कार्यक्रम है ये हमारे टैक्स अवेयरनेस ड्राइव का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, एक कड़ी है, जिसमें कि कल जो है वो एक बहुत इन्फॉर्म नॉलेज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में इसको लाया गया है। और वो नॉलेज एक्सचेंज तभी होता है जब हम एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ को अलग अलग सत्र में बुलाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है वो हमारे साथ में पार्टनर कर रहा है, और टेक्निकल एक्सपर्ट्स को वह भी बुला करके अलग अलग स्थानों से लेकर के आ रहे हैं, जिनका आदान प्रदान होगा कल हमारे टैक्स पेयर्स के साथ, हमारे एसोसिएशंस के साथ, हमारे ऑफिसर्स के साथ। तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ सेक्रेटरी जहाँ एक कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे, वह कॉन्टेक्स्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर के पूरे इकॉनमी को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के, और एक टैक्स पेयर्स की एक ओवरऑल जो एक भूमिका है उसको लेकर के वो एक कॉन्टेक्स्ट संदर्भ को सेट करेंगे अपने कीनोट एंड इनॉग्रल एड्रेस के माध्यम से। वहीं पर जो उसके बाद वाले जितने सेशंस होंगे वहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में एक्सचेंज होगा हमारे बाकी टैक्स पेयर्स के साथ में, जहाँ पे एक वार्ता यह हो सकती है जो भी डाउट है GST को लेकर के, पॉलिसी को लेकर के, समय समय पे जो अमेंडमेंट आते हैं, जो संशोधन आते हैं उस संशोधन को लेकर के, जो कई बार रिलैक्सेशन जो है टाइम लिमिट में दिया गया है, अभी भी GST काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें कई रिटर्न्स को फाइल करने में जो टाइम लिमिट को उसको बढ़ाया गया है, तो उनको लेकर के एक टाइमली लोगों में जानकारी आ पाए, ताकि टैक्स कंप्लायंस जो है वह पूरी तरह से एक इन्फॉर्म मैनर में कर पाए। इसके साथ ही इस प्रोग्राम का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है, और वह है गुड प्रैक्टिसेस शेयरिंग विद डिफरेंट स्टेट्स। तो सभी स्टेट्स को तो हम लोग नहीं इन्वाइट कर सकते थे, लेकिन उसमें चयन किया गया, जैसे महाराष्ट्र में कुछ अच्छा काम जो है वहाँ पे इंटेलिजेंस इनपुट को लेकर के यह देखा गया, तो उससे हम लोग इंटेलिजेंस इनपुट डेटा एनालिसिस से हम क्या एक्शन आगे ले सकते हैं जिससे कि हमारे टैक्स की रेवेन्यू बढ़े और जो टैक्स इवेजन है वो कम हो, तो इसके लिए महाराष्ट्र के साथ बात है। वैसी जो है एक सेशन जो है वो कर्नाटका के साथ है, कर्नाटका में IT प्रैक्टिसेस को लेकर के जो है बहुत अच्छे टूल्स बनाए गए हैं, जो कि अपने इंफॉर्मेशन को एनालिटिकल तरीके से वो ऑफिसर्स को वो दिखते हैं, जिससे वो किस सेक्टर में क्या हो रहा है और पूरा वो है उसको ट्रैक करने में उनको आसानी मिलती है। तो ये टूल के बारे में हमारे ऑफिसर्स का एक्सचेंज जो है वो कर्नाटका के साथ होगा। वैसे ही हमारे 2 और स्टेट्स हैं जिसको कि हम लोगों ने इसमें ये किया है, जैसे एडवांस रूलिंग को लेकर के तमिलनाडु में अभी हमारे एडिशनल कमिश्नर हैं, तो उन्होंने बात की तमिलनाडु में जो एडवांस रूलिंग पे क्या हो रहा है, तो एडिशनल कमिश्नर एडवांस रूलिंग उनको लेकर के भी अपना एक पॉलिसी कैसे हम लोगों तक क्लैरिफाई करें, तो उस पर जो है एक ज़्यादा लोगों को क्लैरिटी मिलेगी जब हम उनसे डायलॉग करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं इस क्षेत्र में। जो क्रॉस बॉर्डर हमारा पंजाब है या बाकी अपने स्टेट्स हैं उनके साथ में जो इश्यूज आती हैं उनको लेकर के भी हम लोग बात कर रहे हैं अपने नेबरिंग स्टेट्स के साथ में। साथ ही यहाँ 2 और चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं तो उनको कई तरह से कंप्लायंस करना होता है। एक तो दिखता है कि क्या रेवेन्यू आ रहा है, क्या टैक्स जो है उनसे आ रहा है, तो जो टॉप टैक्स पेयर्स जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दिया, वो टॉप टैक्स पेयर्स होते हैं, तो उनका भी चयन किया गया। लेकिन उसमें कुछ मापदंड यह भी डाले गए कि
टैक्स आपका जितना आप दे रहे हैं इसके साथ जो पूरा कंप्लायंस है, टाइमली टैक्स देना, ठीक है, डिफरेंसेस नहीं है, मतलब जो हम रिस्क स्कोर कहते हैं वो कम है, ठीक है, तो वैसे पैरामीटर उस तरह के मापदंड से करीब 10 टैक्स पेयर्स का चुनाव किया गया, 5 कश्मीर डिवीजन के हैं और 5 जम्मू डिवीजन के हैं। उनको भी कल जो है एक जो अवार्ड एंड फेलिसिटेशन चीफ गेस्ट महोदय द्वारा जो है उसको किया जाएगा, और हमारे अपने डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स एंड जो फुट सोल्जर्स हैं इंक्लूडिंग गार्ड, ठीक है, सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स, ये सब हमारे फुट सोल्जर्स हैं, उनके बगैर जो है वो पूरी ये पूरा यंत्र तंत्र जो है वो अच्छे से नहीं चल सकता है। तो उन सबको भी रिकग्नाइज करना, उनके लिए भी एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन जो है उसकी एक कड़ी रहेगी, तो यह भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। तो कर्तव्य जो नाम है, तो कर्तव्य जैसा अंग्रेजी में हम कहते हैं हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में कर इतना बड़ा छिपा है, तो यह जो कर है इसमें सबकी भूमिका है, इस अवेयरनेस को लाना जो है यह भी बहुत ज़रूरी था। और कुछ दिन पहले एक वॉकाथॉन किया गया था, उस वॉकाथॉन में 5 किलोमीटर हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स तो चले, कुछ एसोसिएशन के लोग चले, कल भी जैसे बार एसोसिएशन के लोग भी आ रहे हैं और ऑडिटर्स जो हमारा एसोसिएशन जो पार्टनर है उसके बहुत लोग आ रहे हैं, उसी तरह से वॉकाथॉन में जब चीफ सेक्रेटरी ने स्वयं इसकी पहल की और लीड किया इस वॉकाथॉन को, और यह भी कहा कि नहीं अवेयरनेस ड्राइव में यह भी हमें देखना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू ऑगमेंटेशन आने वाले दिनों में कैसे हो सकता है, तो यह सब एक स्ट्रैटेजी है कि अवेयरनेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा रूप में जो है साल भर अलग अलग रूप में लोगों तक लेकर के आए। वॉकाथॉन है, कल सिंपोजियम है, नॉलेज एक्सचेंज है, जैसा कल यहाँ पर हो रहा है वैसा ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल जो ऑफिसर्स हैं वो भी अपना अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है ये करेंगे। डिपार्टमेंट्स जो हैं जहाँ पर DDOs हमारे ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, डायरेक्टर फिनेंस होते हैं, उनको भी पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी समझना होगा कि कर जो वो वसूली की जाती है उसको समय पे उसको भरना भी है, रिटर्न्स के फॉर्म में वो समय पे चीज़ें हमारे पास आनी चाहिए, सबका समय निर्धारित है। तो सब अपने कर्तव्य को समझे, हमारा डिपार्टमेंट अपने कर्तव्य को समझे, साथ में टैक्स पेयर्स अपने कर्तव्य को समझे, DDOs अपने कर्तव्य को समझें, तो एक व्यापक स्तर पे इस कर्तव्य के बोध के विकास, विस्तार, जागरूकता को फैलाने के लिए इस कार्यक्रम को एक अंजाम 2 दिन के लिए पिरोया गया है, और आगे भी जो है यह जारी रहेगा ताकि डिपार्टमेंट सिर्फ एक रेगुलेटरी मोड में नहीं दिखे, प्रमोटिव मोड में भी दिखे। रेगुलेशन है, एक्शंस है, कई बार लोग कहते हैं पेनल्टी क्यों लगी, प्यूनिटिव एक्शन क्यों हुआ, तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समय पे कंप्लायंस कर पाए, एक इन्फॉर्म्ड रूप में कंप्लायंस कर पाए, और जो कानून के जो स्टैट्यूटरी हमारा प्रोविजंस है, एक्ट्स है, सेक्शंस है, रूल्स है, उसको समझे कि किसकी क्या भूमिका होती है। मैम, इस तरह के कार्यक्रम आम जनता के जो खास करके टैक्स पेयर हैं, जिन्हें कुछ ऐसे लोग भी जो टैक्स पेयर पर वो टैक्स पे नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुँचेंगी मैम? देखिए, कार्यक्रम के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हम लोग सभी को यह भी बोध कराने की कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स पेयर जो है वो एक डीलर जो हमें टैक्स पे कर रहा है वह तो एक कड़ी है, लेकिन आप सब जब कोई भी खरीदारी करते हो तो आप उस इनडायरेक्ट टैक्स के एक बहुत बड़ा हिस्सा आप बनते हो, क्योंकि ये कर जो खरीदारी कर रहा है ये कर उससे आ रहा है, लेकिन अगर आपने इनवॉइस नहीं मांगा, आपने उसमें देखा नहीं कि कितना कर जो है वो GST का कितना परसेंटेज है, आप देखिए अपने बिल में, और यदि आपको लगता है कि कहीं पे कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम लोग कहते हैं कि आप बताइए कि नहीं यहाँ पे तो कर वसूली बिल्कुल नहीं की जा रही है, हम तो तैयार हैं देने के लिए। तो ये बच्चे यूनिवर्सिटी के भी लोगों को बुलाया जा रहा है, क्यों? ताकि वो जब इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स एंड पब्लिक फिनेंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं अपने बच्चों के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में, उनको भी बताएं
कि भाई टैक्स पेयर हर एक जो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन तो हर एक पे है, लेकिन वो बर्डन नहीं है. क्यों? क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं आप डेवलपमेंट में, विकास में आप अपना योगदान कर रहे हैं. उनके भी माध्यम से लोगों को पता चले कि हमारा जो है, मतलब बहुत सबकी एक भूमिका है. जहाँ तक डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन लें. इस कुछ महीनों में हमारी रजिस्ट्रेशन की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है. 22,000 नए टैक्स पेयर्स जो है वो ऐड हुए. लेकिन ये 22,000 40,000 क्यों ना हो, 50,000 क्यों ना हो, तो इकॉनमी जैसा ग्रोथ जहाँ हो रहा है, वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे रजिस्टर्ड टैक्स पे बने, वह भी हमारा प्रयास.